काफ़ी दोस्तों को ये इशू आता है कि वेदर 19% ओके है किसी भी डिसर्टेशन की, कौन सा सिमिलरिटी इंडेक्स जो है फिक्स कितना परसेंटेज है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज में भी ये कन्फ्यूजन पाई जाती है कि वो 19% को एक तरह से एक थ्रेशोल्ड वैल्यू समझते हैं कि इससे हर डॉक्यूमेंट नीचे होना चाहिए, और उसको लिंक किया जाता है कि HEC ने इस तरह किया कहा हुआ है। अब मैं आपको HEC की वेबसाइट से ये गाइडलाइंस ओपन करके दिखाता हूँ कि HEC ने एक्चुअली कहा क्या हुआ है। ये गाइडलाइंस हैं जो इंस्ट्रक्टर्स के लिए HEC ने डेवलप की हैं, और इसमें पॉइंट नंबर 9 पे आप देखें क्लियरली लिखा हुआ है कि इफ़ द रिपोर्ट है सिमिलरिटी इंडेक्स लेस देन इक्वल्स टू 19% देन बेनिफिट ऑफ डाउट मे बी गिवन टू द ऑथर। अब ये बेनिफिट ऑफ डाउट कौन देगा? ये इंस्ट्रक्टर देगा, क्योंकि ये गाइडलाइंस किसके लिए हमने अभी ओपन की है, ये हैं इंस्ट्रक्टर के लिए गाइडलाइंस। ऊपर आप दोबारा देख रहे हैं, ये इंस्ट्रक्टर के लिए गाइडलाइन। तो ये कतई नहीं कहा जा रहा कि 19% वाला डॉक्यूमेंट ओके होगा, बल्कि एक तरह से बेनिफिट ऑफ डाउट देने की बात हो रही है उस डॉक्यूमेंट को जिसकी सिमिलरिटी 19% से कम आ रही हो। और सिंगल सोर्स से, जो मल्टीपल सोर्सेज शो हो रहे होते हैं, सिंगल सोर्स से 5% विदाउट साइटेशन कोई चीज़ ऐसी नज़र आए तो उसको ठीक करने की ज़रूरत होती है। तो दोनों चीज़ें ये डिसाइड करनी है आफ्टर रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन, और किसने डिसाइड करनी है? इंस्ट्रक्टर ने, सुपरवाइजर ने, सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने। तो डॉक्यूमेंट की जो सिमिलरिटी इंडेक्स है वो जस्ट क्लूज होते हैं, हिंट्स होते हैं, पोटेंशियल सोर्स होता है उसमें प्रोवाइडेड। वो किसी तरह भी हम किसी फिक्स्ड पर्टिकुलर सिमिलरिटी इंडेक्स को नहीं कर सकते। हाँ, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है कि 19% का ये मैजिक नंबर कैसे आया, वो इस तरह से कि 19% या 20% जो है वो एग्जिस्टिंग नॉलेज से कनेक्शन है, और 80% वर्क जो है वो आथर अपना एक तरह से न्यू नॉलेज के फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब ये भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट का 45% सिमिलरिटी आ रहा हो और वो किसी पर्सनैलिटी पर रिसर्च की हो, तो वो उसको जो सुपरवाइज़र है या जो बाकी कमेटी है जो एक्सटर्नल्स हैं वो उसको कहें कि ये अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एथिक्स और नॉर्म्स के हैं, और इतना परसेंटेज रिप्रोड्यूस करना जो है, टेक्स्ट रिप्रोड्यूस करना वो ज़रूरी था इस टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए। तो ये गुजारिशात जो है ना, सब यूनिवर्सिटीज़ में जो फोकल पर्सनस हैं या जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को एक दफ़ा देख लें।